हेलो गाइस, आई एम नेहा एंड टुडे आई एम हेयर विथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट 6। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सीखे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में हम काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट और नए वन वर्ड सीखने वाले हैं जो फोबिया से रिलेटेड है। फोबिया से रिलेटेड 2 या 3 वन वर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया क्या होता है? ऑफ डॉक्टर्स, जिसको डॉक्टर से डर लगे उसे हम क्या कहते हैं? कैट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट्रोफोबिया। जेराफोबिया, जेराफोबिया क्या होता है? ऑफ ओल्ड एज, जिसको बूढ़े होने से डर लगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जेराफोबिया होता है। ठीक है, नोसियोफोबिया, नोसियोफोबिया इज रिलेटेड टू ऑफ नॉलेज, जिसे नॉलेज से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? नोसियोफोबिया। सेलोफोबिया, सेलोफोबिया इज रिलेटेड टू एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, जिसे बहुत ज़्यादा सुंदरता से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलोफोबिया कहते हैं। ठीक है, सेलोफोबिया। क्रोनोफोबिया, यू नो क्रोनो वर्ड इज रिलेटेड टू टाइम, तो क्रोनोफोबिया क्या होगा? जिसको समय से डर लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इज रिलेटेड टू डॉग्स, मतलब जिसे कुत्तों से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? साइनोफोबिया कहते हैं। ठीक है, क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है? ऑफ क्लोज्ड एंड कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब जिसे बंद बंद जगहों से डर लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। जैसे किसी को रूम में बंद कर दिया जाए जो चारों तरफ से बंद है, तो उसे वहाँ पे अगर रहने से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, लिफ्ट के अंदर जिन्हें डर लगता है उसे भी हम क्या? क्लस्ट्रोफोबिया ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिप्सोफोबिया, जिसको थर्स्ट प्यास से डर लगे, मतलब कुछ भी पीने से डर लगे उसे हम क्या कहते हैं? डिप्सोफोबिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू ट्रीज, जिसको पेड़ों से डर लगता है। ठीक है, जिसको पेड़ों से डर लगे उसे हम डेंड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, और आज के समय में तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई फोबिया होता ही है, किसी को छिपकली से, तो किसी को हाइट से, तो किसी को चूहों से, इस तरह के बहुत सारे फोबिया हैं और हर एक व्यक्ति किसी ना किसी फोबिया से ग्रसित है। ठीक है ना, जैसे डिमोनोफोबिया, डिमोनोफोबिया क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इविल स्पिरिट्स, मतलब जिसको ये भ्रम हो कि वो भूत प्रेत से ग्रसित है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिमोनोफोबिया कहते हैं। ओके, एक्रोफोबिया, मॉर्बिड फियर ऑफ प्लेसेस आर हाइट, जिसको ऊंचाई वाले स्थान में या हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एरोफोबिया क्या होता है? मॉर्बिड फियर ऑफ एयर, जिसको हवा से डर लगता है बहुत ही ज़्यादा उसे हम क्या बोलते हैं? एरोफोबिया बोलते हैं। एगोराफोबिया क्या होता है? ऑफ ओपन प्लेस, मतलब जिसे खुले स्थान में किसी को जाने से डर लगे या पब्लिक प्लेस में जाने से जिसे डर लगे या बहुत सारी भीड़ में पब्लिक प्लेस से जिसको डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? मॉर्बिड फियर ऑफ पेन, जिसे दर्द से डर लगता है। ठीक है, दर्द से जिसे डर लगे उसे हम एल्गोफोबिया कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोफोबिया। एंड्रो इज रिलेटेड टू मैन, मतलब जिसे पुरुषों से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया कहते हैं। ओके, याद रखेंगे हम। ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया क्या होता है? ऑटो इज रिलेटेड टू अलोन, है ना, तो ऑटोफोबिया मतलब सॉलिट्यूड, जिसे अकेले रहने से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया, एंग्लो वर्ड इज रिलेटेड टू इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो एंग्लोफोबिया क्या होता है? ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश थिंग्स, मतलब जिसे इंग्लैंड से या उससे रिलेटेड, इंग्लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है या इंग्लिश थिंग्स, मतलब अंग्रेजी वस्तुओं से जिसे डर हो उसे हम क्या कहते हैं? एंग्लोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया इज रिलेटेड टू मैनकाइंड। ठीक है, तो एंथ्रोफोबिया क्या होगा? जिसे मैनकाइंड मतलब मानवता से डर लगे, कोई उसके साथ अच्छा कर रहा है, मानवता कर रहा है, तो उससे अगर जिसे डर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, जेनोफोबिया क्या होगा? ऑफ बर्थ, जिसको जन्म देने से डर लगे, मतलब जन्म से कि डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? जेनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया इज रिलेटेड टू सेलेस्टिकल स्पेस। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया क्या होता है? मॉर्बिड फियर ऑफ बुक्स, जिसे किताबों से डर लगता है ना,
जिसे किताबों से डर लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोफोबिया। चिरोफोबिया, मॉर्बिड फियर ऑफ हैंड्स, जिसे हाथों से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, चिरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, कैकोफोबिया, हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जो कैको वर्ड है ये क्या होता है, ये अगली का क्या है, मतलब अगली होता है, कैको का मतलब अगली होता है और ये एक प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो कैकोफोबिया क्या हो जाएगा, अगलीनेस, जिसे अगलीनेस से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैकोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोफोबिया क्या होगा, ऑफ लाइटनिंग थंडर एंड स्ट्रॉम, जैसे बिजली कड़कती है उससे, थंडर से और स्ट्रॉम मतलब भूकंप से, इन सब चीज़ों से जिसे डर लगता है उसे हम एस्ट्राफोबिया बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग अस, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।